हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फारूक और आज के स्टूडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने फैक्ट टू फिट चैलेंज के डे 22 और डे 23 पे मैंने क्या क्या लिया था। डे 22 पे सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा लिया था, मैंने वेजिटेबल पोहा लिया था जिसमें मैंने थोड़े से पीनट्स भी ऐड किए थे। फिर इसके बाद मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक में शिकंजी ली थी। मैं अपनी शिकंजी में कभी कभी थोड़ा सा गोंद कतीरा भी भिगो के ऐड कर देती हूँ। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद मैंने अपना लंच लिया था और मैंने अपने लंच में समर्स को देखते हुए थोड़ा लाइट ही बनाया था, जिसमें मैंने घी की सब्जी ली थी, थोड़ा सा उसके साथ लहसुन का अचार, दही और रोटी ली थी। फिर इसके बाद मैंने इवनिंग स्नैक में उस दिन फिर से कॉफी नहीं ली थी। लास्ट 4-5 डेज से मैंने अपना इवनिंग स्नैक जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मैं फ्रूट या फिर कॉफी लेती थी तो मैं ज्यादातर फ्रूट ले रही थी या मैं उसको स्किप कर रही थी। तो मैंने डे 22 पे भी कॉफी नहीं ली थी, मैंने उस दिन फ्रूट भी नहीं लिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने जो मॉर्निंग का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पोहा था मैंने वो ही लिया था। फिर उसके बाद डिनर में मैंने थोड़े से फ्राइड राइस लिए थे और उसके साथ एक कटोरी दही भी ली थी। मुझे अपने फ्राइड राइस के साथ दही लेना पसंद है और वैसे भी मैं शुरू से ही, रात हो या दिन हो, मैं दोनों टाइम पे दही या फिर छाछ लेती आ रही हूँ तो मुझे वो नुकसान नहीं करती है। लेकिन कुछ लोगों को रात के टाइम दही अवॉइड करने के लिए कहा जाता है या फिर वो खुद ही अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो उनको सूट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। और वैसे भी मुझे इतनी ज्यादा आदत है दही या फिर छाछ लेने की कि मुझे उसके बिना अपनी जो मील है वो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट सी लगती है। और मैं अपने फ्राइड राइस में बहुत सारे वेजिटेबल्स तो ऐड करती ही हूँ, डिफरेंट टाइप्स की जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है, जिसमें मैं ज्यादातर कैरेट्स, कैप्सिकम, पीज, अनियन ये सब तो ऐड करती ही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं उसमें कभी कभी स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देती हूँ। कुछ लोगों को राइस के साथ कॉर्न का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, बल्कि मुझे थोड़ा सा उसका जो स्वीट फ्लेवर राइस के साथ आता है वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं फ्राइड राइस मसाला ऐड करती हूँ वो काफी चटपटा सा है या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे है, तो इसीलिए उसके साथ स्वीट कॉर्न भी बहुत अच्छे से जाते हैं। लेकिन उस दिन मेरे पास स्वीट कॉर्न नहीं थे तो मैंने वो ऐड नहीं किए थे। लेकिन मैं अपने फ्राइड राइस में सोया चंक्स कभी भी ऐड करना नहीं भूलती हूँ और मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा ही ऐड करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। नाउ डे 23 पे मॉर्निंग में मैंने एक अंडे का पराठा लिया था। मैं जब भी एग पराठा बनाती हूँ तो मैं उसको सिंगल एग से बनाती हूँ और अपने पराठे के अंदर जो है मैं थोड़ा देसी घी वगैरह कुछ भी डालना अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने पराठे देसी घी में बनाती हूँ, यानी कि जब तवे पे उसको सेकती हूँ तो सिर्फ एक साइड देसी घी लगाती हूँ और मैं कभी भी उसको रिफाइंड या फिर ऑलिव ऑयल में नहीं बनाती हूँ। 23 पे भी मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक सेम ही था, जो कि थी शिकंजी। मैं अपनी शिकंजी में शुगर बहुत कम ऐड करती हूँ और उसमें मैं कोई और ज्यादा मसाले डालना प्रीफर नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी अगर मेरे पे फ्रेश मिंट अवेलेबल होती है तो मैं उसको क्रश करके उसमें डाल देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में पत्ता गोभी की सब्जी, दही और रोटी ली थी। इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, लेकिन उस दिन मेरा बहुत ज्यादा ठंडा पीने का कुछ मन कर रहा था और मुझे बहुत दिन हो गए थे कॉफी लिए हुए, तो मुझे थोड़ा सा कॉफी की क्रेविंग भी हो रही थी, तो मैंने उस दिन अपनी फिर से वही कोल्ड कॉफी ली थी जिसको मैं लो फैट मिल्क में और विदाउट शुगर बनाती हूँ। और मैंने उसकी क्वांटिटी, जैसे कि पहले भी शेयर किया है, मैंने उसको फुल ग्लास से 3/4 ग्लास कर दी है। इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने अपने डिनर में बहुत टाइम के बाद रायता बनाया था जिसको मैंने दाल के साथ लिया था और इसके साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन का अचार और रोटी ली थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल। हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।